मार्केट को तो सुर्ख आपके पड़ लग गए हैं, आखिर ये माजरा क्या है? लेट्स डिस्कस टॉप फाइव थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। क्या इन्फ्लेशन में कमी से पीआईबी यील्ड्स पर भी फर्क पड़ा है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ईज होने से और इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन की वजह से पीआईबी की डिमांड में अनएक्सपेक्टेड सर्ज देखा गया, जिसकी वजह से कट ऑफ यील्ड्स में शार्प डिक्लाइन देखा गया। 3, 5 और 10 ईयर्स के पेपर्स में 180, 100 और 15 बिप्स का डिक्लाइन देखा गया। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की क्या सूरत है? लास्ट वीक ऑयल ने इंटरनेशनल मार्केट में 4% का वीकली डिक्लाइन विटनेस किया, जिसके बाद ब्रेंट और WTI 81 और 76 डॉलर्स पर बैरल पर स्टैंड करते हैं। इसका मेजर रीजन चाइना और US की तरफ से डिक्रीज डिमांड है। अक्टूबर के मंथ में क्या रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं? अक्टूबर के महीने में रेमिटेंसेस 2.5 बिलियन डॉलर्स पे आई, जो कि मंथ ऑन मंथ 11.5 और ईयर ऑन ईयर 9.6% का इंक्रीज था। आज तक 8.8 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई हैं, जो SPLY में 10.1 बिलियन डॉलर्स थी। बैंक डिपॉजिट्स के अंदर क्या ट्रेंड देखा जा रहा है? SVB के डेटा के मुताबिक अक्टूबर में बैंक डिपॉजिट्स 0.3% मंथ ऑन मंथ से बढ़ी, टोटल इन्वेस्टमेंट्स 2.7% मंथ ऑन मंथ से बढ़ी और टोटल इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो 88% पे आया। FX रिजर्व से क्या सूरत है हाले? As of 3rd November, net SPP reserves 3.7 million US dollars से बढ़कर 7.5 billion US dollars हो गए हैं, जबकि total forex reserves 37.6 million US dollars से बढ़कर 12.6 billion US dollars हो गए हैं। For more informative videos, keep following.